धनतेरस के एक दिन पहले खरगोन जिले के बड़वाह के सॉफ्टवेयर इंजीनियर गगनदीप सिंह भाटिया पर धन की बारिश हुई। उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति में 12.5 लाख रुपए जीते। 25 लाख के सवाल पर वे अटक गए। अपनी सभी लाइफलाइन खो चुके गगनदीप इस सवाल के जवाब पर असमंजस में थे। ऐसे में उन्होंने आगे खेलने के बजाय क्विट करना मुनासिब समझा। वहीं बड़वाह पहुंचने पर गगनदीप का शानदार स्वागत किया गया। कौन बनेगा करोड़पति में 12.5 लाख रुपए जीतकर बड़वाह का नाम रोशन करने वाले गगनदीप भाटिया का गृहनगर पहुंचने पर शानदार स्वागत सांसद सेवा केंद्र पर किया गया। खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल एवं बुरहानपुर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने गगनदीप को उनकी उपलब्धि पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत कर बधाई दी व उज्ज्वल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में पधारे अतिथियों ने कौन बनेगा करोड़पति शो से जुड़े अपने अपने अनुभव को सबके साथ साझा किया। शो के दौरान गगनदीप बेहद सहज नजर आए और अमिताभ ने भी उनसे काफ़ी बातें की। जब 12.5 लाख की धनराशि लेकर लौट रहे थे तब अमिताभ उन्हें गर्मजोशी से उनसे हाथ मिलाकर विदा कर रहे थे। इसी दौरान गगनदीप ने अमिताभ से उनकी हाइट को मैच करते हुए कहा, ऑलमोस्ट सेम है। इस पर अमिताभ भी हंस पड़े। उन्होंने भी जवाब दिया, ऑलमोस्ट सेम ही है। बड़वाह का नाम आए, रेडियो भी गया, टीवी भी गया, सब कुछ गया, पर बच्चे ने फोन भरने का करोड़पति में बड़वाह का ऐसा नाम कर दिया कि अब कुछ जरूरत ही नहीं बड़वाह के। और अगर ये और टेम देते ना मेरे को कि ये बच्चा जा रहा, तो अमिताभ बच्चन के पिताजी ने मेरे पिताजी को 26/10/1965 को 4 पैसे का पोस्ट कार्ड मेरे पिताजी को लिखा था, वो मेरे कहना मौजूद है। अमिताभ बच्चन के घर पर भी दे के आया मैं, रजिस्ट्री भी गई 72 रुपये की वापस आ गई, और ये बच्चे का फोटो काफ़ी देता तो 10 मिनट और मिलते, ये मौका और करा। आइए बैठिए। क्या आप लग रहे दोपहर बाहर ही गई है ना अभी भी? हाँ जी, 12.5 लाख बोले थे। कोशिश तो पूरी की थी 1 करोड़ तक जाने की, मगर प्रश्न थोड़े कठिन हो गए थे। हाँ जी सर, नमस्कार। आपको भी सर बहुत बहुत बधाई, दीपावली की बहुत बहुत बधाई है आपको। जरूर जरूर। अरे मैं आपको फोनो फ्रेंड में आपको रखूंगा ना सर, अगर इस बार गए बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत हेल्प हो जाती है आप मेरे को। थैंक यू सर। जी सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद बीजेपी कार्यालय में कार्यरत सभी आदरणीय व्यक्तियों का। काफ़ी अच्छा लगा, इतना उन्होंने प्यार और सम्मान दिया मुझे। मैं बहुत फिर से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा और आशा करता हूँ कि मेरा जो कार्यक्रम आज आप लोग देखें वो आप सभी को पसंद आए, और बड़वाह का जो क्षेत्र का नाम अमिताभ बच्चन जी लेंगे तो ये सबके लिए गर्व की बात हो। जय हिंद, जय भारत। बड़वाह से वाजिद खान की रिपोर्ट।